आज सुबह से ही मौसम के मिजाज कुछ अलग ही देखने को मिले। दोपहर 12 बजते बजते आसमान में काली घटाएं छा गई और बूंदाबांदी शुरू हो गई। शहर की सड़कें पानी से तरबतर हो गई, वहीं माउठे के चलते मौसम में जैसे ठंडक सी घुल गई। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलावे का सहारा लिया, साथ ही गर्म कपड़े, स्वेटर, टोपी पहन कर लोग सड़कों पर घूमते हुए दिखे। लोगों का कहना है कि आज सुबह से ही मौसम के मिजाज अलग से देखने को मिले। बेमौसम बूंदाबांदी माउठे से मौसम में ठंडक घुल गई, जिसके चलते आम लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों के साथ साथ अलावा जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। नीमच में बेमौसम या बारिश हो गई है, जिससे एकदम सर्दी बढ़ गई है। लोग अलाव का, गर्म कपड़ों का, टोपों का सहारा ले रहे हैं, जिससे प्रकृति एकदम बदल गई है, माउठा गिर रहा है। ये कल दिन से ऐसा मौसम हो गया है, एकदम से ठंड बढ़ी है, ना बारिश पड़ रही है, एकदम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चों को भी सर्दियाँ लग रही हैं, स्कूल आने जाने में परेशानी आ रही है बच्चों को, और लोग अपने गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, अलाव लगा रहे हैं जगह जगह। आज 30 नवंबर को सुबह से मौसम अचानक ठंडक आने के कारण एकदम बहुत ज़्यादा लोग आग लगा रहे हैं और काली घटाएं छा रही है। ठंडक का प्रभाव बहुत तेज़ गति से हो रहा है, तो आज ठंड का मौसम बहुत तेज़ हो रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग आग जला रहे हैं, आग जला के अपना बचाव कर रहे हैं, गर्म कपड़े पहन रहे हैं, टोपे स्वेटर और ये पहन रहे हैं और ख़रीद के ला रहे हैं। मौसम एकदम अचानक बारिश की बूंदाबूंदी हो रही है और थोड़ा अच्छा तेज पानी आ रहा है, इस प्रकार से ठंडक एकदम तेज गति से बढ़ रही है। नीमच से दीपक हताबिया की ये रिपोर्ट।